गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज असी तुहाडी पंजाबी भाषा दी व्याकरण दा तीसरा पाठ करन जा रहे हाँ। तीसरा पाठ है अखर जवन। बच्चों, जदों भी असी अपनी भावना नूं प्रगट करते हाँ तां मूँह विचों कुछ धुनियां निकलदियां हन। कि इन्हां धुनियां नूं लिखती रूप दिता जा सकता है? हाँ जी, जदों भी असी इन्हां धुनियां नूं लिखती रूप दिंदे हाँ तां इह चिन्ह खवांदे हन। इन्हां चिन्हां नूं ही असी अखर जा वर्ण कहते हैं। बच्चों, साड़ी गुरमुखी लिपि है जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है, इस विच कुल 35 अखर हैं, उड़े तो लैके राड़े तक। उड़ा, ऐड़ा, इड़ी, ससहा, यह पहला वर्ग है जो कि मुख वर्ग है। कक्के दा कक्का वर्ग है, अगले वाला चचा वर्ग है, फिर टैंका वर्ग है, फिर तत्ता वर्ग है, फिर पप्पा वर्ग है, अते अंतिम वर्ग है याया वर्ग। बच्चों, अराड़े तक साड़ी गुरमुखी दे कुल 35 अखर होंदे हन। पहले पंजाबी विच साड़ी कोल कुल 35 अखर सन, पर फारसी भाषा दे कुल 6 होर अखर मिल जान कारण यह अखर 41 हो गए हैं। बच्चों, फारसी भाषा पंजाबी भाषा विच इस तरह रल मिल गई सी कि इसते दिते गए शब्दों नूं, यानी कि फारसी भाषा के शब्दों नूं प्रगटाउण दे लई पंजाबी भाषा विच कुछ अजिहे अखरां दी लोड़ पै गई जो फारसी भाषा के शब्दों नूं प्रगट कर सकन। ते इन्हां वर्णां लई ही 6 नवें होर वर्ण आए। बच्चों, सस्से परे बिंदी, खके परे बिंदी, गगे परे बिंदी, जजे परे बिंदी, फफे परे बिंदी, ते लले परे बिंदी। सस्से परे बिंदी तो शब्द शेर, जशन, शीशा आदि शब्द बनते हैं। खके परे बिंदी तो खरबूजा, खरगोश, खत, खत्म आदि शब्द बनते हैं। गगे परे बिंदी तो गुब्बारा, गलीचा, गरारा, गुलेल आदि शब्द बनते हैं। जजे परे बिंदी तो जेवर, जैबरा, जंजीर, जिमीकंद आदि शब्द बनते हैं। फफे परे बिंदी तो फर्श, फराक, फ्रिज, फुट्टा आदि शब्द बनते हैं। लले परे बिंदी तो बत्तल, पिप्पल आदि शब्द बनते हैं। बच्चों, फारसी भाषा के इन्हों शब्दों प्रगटाने के लिए ही यह 6 वर्ण हो रहे। इस तरह साढ़े को गुरमुखी लिपि के कुल 41 अखर हो गए। बच्चों, 41 अखर यह अखर जे असी इन्हों का भाग करिए इसमें असी 2 भागों में वंट सकते हैं। पहला है स्वर अखर और दूसरा है व्यंजन अखर। बच्चों, इस दिया अगलिया टाइप्स व्यंजन अखर दिया अनुनासिक ते द्विव्यंजन हैं, पर इस तो पहला असी स्वर अखर देखांगे। बच्चों, स्वर अखर कुल 3 हैं, ऊड़ा, ऐड़ा, इड़ी। पर बच्चों, स्वर अखरां जेकर असी अगे होर भागों में वंडिए असी इसनू मात्रावां दे रूप में प्रगटा सकते हैं। तो इस तरह इन्ह मात्रावां लगा कहते हैं, लगा मात्रावां। इन मात्रावां जेकर असी उड़े, ऐड़े, इड़ी नूं पा करिए तो कुल साढ़े को 10 लगा मात्रा होंदिया हैं। बच्चों, ऊड़ा, ऐड़ा, इड़ी ये 3 स्वर अखर हैं जो मुख हैं। यह स्वर अखर वह अखर होंदे हैं जिन्हां दे उच्चारण समय हवा बेरोक बाहर निकलती है मूँह विच्चों। उस समय उच्चारण स्थान पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होंदी। बच्चों, इन्हां नूं प्रगटाउण दे लई अते इन्हां दे उच्चारण समय उच्चारण अंग ते किसी तरह का कोई भी ठहराव नहीं आता। जिस तरह उड़े नूं असी ओ आदि बोलांगे तां बेरोक हवा बाहर निकलेगी। ऐड़े नूं आ, ऐ, ओ बोलांगे ते बेरोक हवा बाहर निकलेगी। इड़ी नूं असी ई ए बोलांगे तां इस तरह ही हवा बेरोक बाहर निकलेगी। तो स्वर अखर उही अखर होंदे हन जिन्हां दी उच्चारण समय हवा बेरोक बाहर निकलती है। बच्चों, ऊड़ा, ऐड़ा, इड़ी नूं जेकर असी पंजाबी वर्णमाला विच्चों बाहर कढ दईए जिहड़े कि स्वर अखर हन, तां सस्से तों लै के राड़े तक साडे कोल जिहड़े अखर बचदे हन उह अखर हन व्यंजन अखर। बच्चों, इह अखर व्यंजन अखर हन क्योंकि इस इन्हां अखरां
ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਧਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਸਾ ਸੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਰੜੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਤੀ ਅੱਖਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਨ ਬੱਚੋ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਵਾਵਾ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪੱਪੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਚਾਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਵਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਵੇਮਾਨ ਸਵੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਪਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਨੰਨਾ ਨਈਆ ਅੰਗਾ ਨਾਣਾ ਮਾਮਾ ਇਹ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ